बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम अफ्तार विद असद। और जनाब बहुत 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 शुक्रिया आपका पॉजिटिव फीडबैक का, आप लोगों को प्रोग्राम पसंद आ रहा है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ जनाब रेसिपीज़ के हवाले से बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आपकी मौसूल हो रही हैं, और जिसमें आप लोग ने कहा कि अभी तक हमने बिरयानी नहीं सिखाई है, बिरयानी ज़रूर सिखाएँ, क्योंकि ईद जो है बिरयानी के बगैर ना आप कह लें कि इनकम्प्लीट सी लगती है। बहुत सारे घरों में फर्स्ट डे पुलाव बनता है, लेकिन बिरयानी मोस्टली घरों में बिरयानी बन रही होती है। तो जनाब आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं चिकन टिक्का बिरयानी। चिकन टिक्का बिरयानी हम बनाएंगे और किस तरह से बनेगा, क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड होंगी, ये हम सब आपके साथ शेयर करेंगे। और उससे पहले जनाब हमारे स्पॉन्सर्स का शुक्रिया जिन्होंने हमें जो है अपने प्रोडक्ट दी, स्पॉन्सर हमारे प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया। और फर्टाइल आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत खूबसूरत सा हमें सेट प्रोवाइड किया है। उसके साथ साथ जनाब अर्श क्रॉकरी का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें बहुत ही खूबसूरत सी क्रॉकरी जो है वो हमें प्रोवाइड की है। उसके साथ साथ डालडा कुकिंग ऑयल का बहुत शुक्रिया, और डालडा आप लोग जानते हैं जहाँ मामता वहाँ डालडा। उसके साथ हैं हमारे पास जामशीरी, और जामशीरी आप जानते हैं 100% अर्कियात जो है इसके कुदरती अर्कियात से ये बनाया जाता है, और इसका एक और वर्जन भी अब आप देख रहे हैं शरबत इलायची हमारे पास यहाँ मौजूद है, और बहुत सारी रेसिपीज़ भी हमने आपको उससे बनाना सिखाई हैं। स्प्राइट ईद और ईद के अलावा भी अब चाहे कोई भी दिन हो, कोई भी लंच हो, डिनर हो, तो स्प्राइट तो ज़रूरी है। तो जो है नूरपुर दूध है, मक्खन है, और हमारे पास नूरपुर चीज़ भी मौजूद है। चलते हैं और स्टार्ट करेंगे चिकन टिक्का बिरयानी। अच्छा, इसके लिए चिकन टिक्का बिरयानी के हमारे पास दो स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप में हम चिकन टिक्का तैयार करेंगे, और सेकंड स्टेप में हम बिरयानी का मसाला, जिसमें फिर हम चिकन टिक्का और जो उसकी लेयरिंग है हम वो करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, चिकन टिक्का के लिए यहाँ पर मेरे पास मौजूद है चिकन, ठीक है। चिकन के साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट, नमक यूज़ करेंगे, नमक के साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला, हल्दी पाउडर, और पिसी हुई हमारे पास मौजूद है लाल मिर्च, ठीक है। पिसी हुई लाल मिर्च के साथ ही हम इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे, और ये हमारे पास जो मसाला तैयार होगा चिकन टिक्का का। तो क्या करते हैं, साथ साथ जो है आपको मैंने जैसे बता रहा हूँ, अब हम इसकी मिक्सिंग भी शुरू करते हैं, और फिर इसको हम पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेंगे जनाब दही, ठीक है। थोड़ा सा दही लेंगे, और इस दही में हम सारा का सारा जो मसाला है उसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें मैं डाल रहा हूँ चाट मसाला। चाट मसाले के साथ हम डाल रहे हैं धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च। ये अभी हम जो मसाला बना रहे हैं ये हम बना रहे हैं जनाब किसके लिए, टिक्के के लिए। नमक, नमक के साथ लहसुन और अदरक का पेस्ट, और हरी मिर्च का पेस्ट। ठीक है, तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, दही, चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर, ठीक है, नमक, हल्दी पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, और ये हमारे पास चिकन टिक्का का मसाला जो है वो हमने कर लिया तैयार। अब इसमें हमने चिकन जो है इसको हमने मैरिनेट कर देना है, और मैरिनेट करके मैं हमेशा बताता हूँ कि कोशिश कीजिए कि आप इसको रेस्ट दे दें, कम से कम 2 घंटे तो आप दे दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो ओवरनाइट आप ज़रूर दीजिए। जैसे हम रेस्टोरेंट की अगर हम बात करें, जैसे हम अपने मैं अपने रेस्टोरेंट में अर्बन तड़का में जो हमारा बारबेक्यू सेक्शन है, तो वहाँ पर जितनी भी चीज़ें आप को अवेलेबल हैं या आप लोग खाते हैं शौक से, वो सब की सब क्या होती हैं, एक दिन पहले ओवरनाइट यानी कि उनको मसाला लगा के रख दिया जाता है, ठीक है।
तब जाके उनका फ्लेवर जो है आपको मिलता है, मज़ेदार सा फ्लेवर जो है वो आपको खाने को मिलता है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास चिकन टिक्का मसाला हमने लगा लिया, अब इसको हम पकने के लिए रखेंगे। और इसके लिए पैन में मैं कोई भी अभी इसमें ऑयल वगैरह नहीं डालूँगा, ठीक है, बल्कि थोड़ा सा हम क्या करेंगे, चिकन में ही ऐड करेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच, ठीक है। बारबेक्यू का जो भी आप बना रहे हो उसमें ऑयल ज़रूर इसी में शामिल कर दिया कीजिए। आप चाहें ये चिकन टिक्का आप इसको ग्रिल कर लीजिए, कोयले पे सेक लीजिए, ये टिक्का आपके पास तैयार हो जाएगा। हमने क्योंकि बिरयानी बनानी है तो अब इसको हम पैन में पकने के लिए रख देंगे सारे के सारे मसाले के साथ। और चिकन टिक्का जो हमारे पास है आज, पुलाव बिरयानी, इसमें क्या फ़र्क है कि बिरयानी में हम लगाते हैं लेयर्स, ठीक है, यानी कि तह लगाते हैं, लेकिन पुलाव बिरयानी की जब हम बात करते हैं तो उसमें तह नहीं लगाई जाती, बल्कि मसाला बना के चावल डाल के उसको मिक्स कर दिया जाता है। तो ये हमारे पुलाव स्टाइल बिरयानी होती है जो कि आज हम बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरी जानिब छोटे फ्लेम पर मैं ये कोयला इसको जलाने के लिए रख दूँगा ताकि इसका स्मोक हम देंगे अपने टिक्के में। अच्छा, टिक्के में मज़ीद जो है हमने ऑयल नहीं डालना, ठीक है, जो ऑयल हमने डाला है बस उसी को उसी में हमने इसको पकाना है, क्योंकि चिकन जो है अपना पानी अभी छोड़ेगा, दही जो हमने इसमें ऐड किया है वो दही थोड़ा सा इसमें पानी छोड़ेगा और उसी में चिकन हमारी क्या हो जाएगी, गल जाएगी। जब चिकन हमारे पास गल जाएगी तो फिर हम इसको फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करके और इसको क्या करेंगे, इसका जो अगर पानी हुआ तो उसको ड्राई कर लेंगे, अदरवाइज़ ये इसी तरह डन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप जो है बिरयानी का वो हो रहा है और इसमें जो कोयला है इसको अच्छे से जला के और हम इसमें कोयले का धुआं भी देंगे। उसके बाद फिर हम इसका जो सेकंड प्रोसीजर है वो हम स्टार्ट करेंगे और जिसमें हमने बिरयानी का मसाला बनाना है। जब बिरयानी का मसाला हम तैयार कर लेंगे फिर उसमें हम ये जो चिकन है वो डालेंगे और फिर राइस डाल के उसको हम मिक्स करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास चिकन टिक्का पुलाव बिरयानी तैयार हो जाएगी। अच्छा, उसके लिए जो हम मसाला बनाएंगे उसके लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स लिखवा देता हूँ जो जो हमें चाहिए। अच्छा, थोड़ी सी पिसी भी डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च भी जाएगी और उसके साथ हमारे पास ये ज़ीरा आ गया, कुटा हुआ हमें ज़ीरा चाहिए और गरम मसाला पाउडर भी चाहिए, ठीक है, हरी मिर्च की पेस्ट, गार्निशिंग में हम ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। अच्छा, राइस बॉयल करके रख लिए हैं, उसके बाद हमें गार्निशिंग के लिए हमें राउंड कटे हुए लाइक गोल गोल इस तरह से कटे हुए प्याज चाहिए, उसके साथ हमें टमाटर गोल कटे हुए चाहिए, दही का इस्तेमाल होगा, दही के इस्तेमाल के बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट, नमक, कुटा हुआ आप देख रहे हैं ज़ीरा मौजूद है, गरम मसाला मौजूद है, हरी चटनी, कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल भी हम इसके जो मसाला हमने बनाना है उसमें हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब एक नज़र ज़रा चिकन पे डाल लेते हैं, ये देखिए चिकन टिक्का बेहतरीन सा तैयार हो रहा है। अच्छे से इसको आपने गलाना है, मार्क देना है, ठीक है, ब्राउन हो जाए मसाला इसका, थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। चलिए, अब आपने इसको कवर नहीं करना क्योंकि चिकन हमारे पास टेंडर हो चुकी है। अब मज़ीद जो इसको हमने पकाना है वो इसी तरह ओपन पैन लाइक लिड के अलावा हम इसको पकाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप, अब सेकंड स्टेप की हम तैयारी करते हैं। अच्छा, सेकंड स्टेप के लिए आधा काम तो मैंने यहाँ पर डन किया हुआ है, वो क्या है कि हमने चावल जो है उसको ऑलरेडी बॉयल करके रखा हुआ है, ठीक है। तो चावल आपने कुछ भी नहीं ऐड करना, सिंपल हल्का सा नमक ऐड करके चावल को आप क्या कर लेंगे, बॉयल कर लेंगे, ठीक है। चावल बॉयल हुए में हैं, चिकन हमारे पास डन हो रही है, अब हमने इसका जो मसाला है वो हम तैयार करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद स्टार्ट करेंगे। चिकन हमारे पास डन हो जाए
क्योंकि फिर उस मसाले में हमने ये चिकन का भी इस्तेमाल करना है। अच्छे से इसको आपने गलाना है और कोयला जो है वो भी हमारे पास डन हो रहा है। इसको जगह बना लेते हैं ताकि इसमें हम कोयला भी रख सकें, चिकन में अच्छे से स्मोक भी आ जाए। फ्लेम को मैं थोड़ा सा स्लो कर रहा हूँ, ठीक है। फ्लेम को हमने कर लिया है थोड़ा सा स्लो और अब जो है कोयला जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको आप कवर कर दें। चलिए जी, कोयला चला गया है हमारे पास टिक्का में और इसको आपने अच्छे से क्या करना है, डन करना है ताकि बोटियाँ मसाला उसमें अच्छे से हमारे पास कोयले का जो स्मोक जो हमने दिया है, कोयले का धुआं वो अच्छे से रच बस जाए। और उसके बाद ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर चिकन टिक्का पुलाव बिरयानी का आगे का प्रोसीजर क्या है आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और चिकन टिक्का पुलाव बिरयानी हमारे पास तैयार हो रही है। चिकन टिक्का हमने तैयार कर लिया था, अब हम ले लेंगे बड़ा पैन और इसको मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास तैयार है, अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। और मसाले के लिए अगेन हमें चाहिए होगा थोड़ा सा डालडा कुकिंग ऑयल, तकरीबन 1/4 कप के करीब, ठीक है। 1/4 कप डालडा कुकिंग ऑयल। और अब इसमें हम शामिल करेंगे सबसे पहले लहसुन और अदरक का पेस्ट, ठीक है। लहसुन अदरक के पेस्ट को थोड़ा सा हम सौते करेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे अपने तमाम स्पाइसेस, ठीक है। अब ये हम बना रहे हैं इसका मसाला। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि पुलाव बिरयानी में तह नहीं लगती है बल्कि तमाम चावल जो हैं, राइस जो हैं, मसाले के साथ मिक्स कर दिए जाते हैं, जिस तरह से हम पुलाव के लिए करते हैं। तो इसीलिए इसका नाम पुलाव बिरयानी है कि जायका आपको बिरयानी का मिलेगा लेकिन स्टाइल इसका पुलाव वाला है, ठीक है। लहसुन अदरक के बाद शामिल कर रहा हूँ मैं दही। दही के साथ ही हम डाल देंगे इसमें हरी मिर्च, और जब मसाले आप डाल रहे हो तो कोशिश कीजिए फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर दें। हरी मिर्च डाल दीजिए, चलिए 4 अदद हरी मिर्च हमने डाल दी है। उसके बाद जाएगा इसमें हरी मिर्च का पेस्ट। हरी मिर्च के पेस्ट के साथ अब तमाम स्पाइसेस हम डालेंगे, जिसमें गरम मसाला पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, उसके साथ ही कुटा हुआ जीरा, और नमक, ठीक है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, अच्छे से मिक्सअप करेंगे। मसाले को हमने थोड़ा सा भूनना है और दही का पानी हल्का सा ड्राई करना है, ज़्यादा ड्राई नहीं करना क्योंकि हमने इसमें राइस डाल के और फिर इसको मिक्सअप करना होगा, ठीक है। तो हल्का सा अब हमने इसमें क्या करना है, इसको ज़रा सा ड्राई कर लेंगे। अच्छा, अब इस स्टेज पर जब आप देखें थोड़ा हमने इसको समर कर लिया, पका लिया, तो अब जो हमने चिकन टिक्का तैयार करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। कोयला निकाल लीजिए,
ठीक है, कोयला निकाल दिया और चिकन टिक्का, ये तमाम का तमाम चिकन टिक्का हम इसमें ऐड कर देंगे और इसका जो मसाला है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से आपने इसको अब मिक्स करना है। ठीक है, दो मिनट और हम इसको ज़रा सा क्या करेंगे, पकाएंगे ताकि इसका जो पानी है थोड़ा सा और ड्राई हो जाए, क्योंकि ज़्यादा सॉसी नहीं होना चाहिए। चलिए ये हो गया, अब बारी है इसमें राइस ऐड करने की और राइस को मिक्स करने की। फ्लेम को हमने स्लो कर लिया है और अब इसमें हम बॉयल राइस डाल देंगे। ठीक है, बॉयल राइस डालने के बाद अब इसको हम करेंगे मिक्स। चिकन टिक्का पुलाव बिरयानी हमारे पास हो रही है तैयार। अब इसको अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे, फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखिएगा, ठीक है, ताकि फ्लेम को ज़रा स्लो रख लीजिएगा ताकि जो है चावल जो है वो आपके कड़क ना हो। इस तरह से आप अच्छे से इसको मिक्सअप करें ताकि मसाला जो है वो अच्छे से आपके हर चावल के ऊपर आ जाए। चलिए और अब ज़रा सा मैं इसको और मिक्स कर दूं। मिक्स होने के बाद अब इस स्टेज पर हम डाल देंगे इसमें राउंड कटे हुए टमाटर, राउंड कटे हुए प्याज, पुदीना, ठीक है, और इसको अब हम दोबारा से मिक्स करेंगे और अब इसकी आंच बिल्कुल डेड एंड पे ले जाएं, जैसे कि हम दम पर रखते हैं। ठीक है, अब जस्ट हमने इसको दम पर रखना है और हमारे पास चिकन टिक्का पुलाव बिरयानी तैयार है। आप देख रहे हैं इसकी लुक पुलाव वाली आ गई है, लेकिन जब आप इसको टेस्ट करेंगे, जब आप इसको खाएंगे, तो आपको बिल्कुल जो फ्लेवर है वो मज़ेदार सा टिक्का फ्लेवर बिरयानी का आपको नज़र आएगा। अच्छा, इस स्टेज पर आप चाहें, जब आपने इसको दम पर रखना है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने इसको इसमें कलर ऐड करना चाहें तो आप इसमें कलर ऐड कर सकते हैं, येलो फूड कलर, आप जिस तरह से हम बिरयानी में ऐड करते हैं बिल्कुल उसी तरह आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आपके पास चॉइस है, हम अब इसको दम पर रखेंगे, तो इस वक्त इस स्टेज पर आप इसमें येलो फूड कलर जर्दे का रंग घोलकर वो आप डाल दें। ठीक है, तो पुलाव बिरयानी जो है हमारे पास हो जाएगी तैयार। बस इसमें जैसे मैंने शुरू में आपको बताया और साथ साथ बता रहा हूँ कि इसका कलर, इसका टेक्सचर, इसकी लुक आपको बिल्कुल पुलाव वाली लगेगी, लेकिन फ्लेवर इसका आपको मिलेगा बिरयानी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आज की चिकन टिक्का पुलाव बिरयानी जो है वो दम पर है और अब इसके साथ हमने एक बहुत ही यमी सा रायता बनाना है और उस रायते में एक ट्विस्ट है आप लोगों के लिए। वो क्या कि कमर्शियली जो हम रायता बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं और वो बहुत ही आप लोगों को पसंद भी आता है, उस रायते में ऐसी क्या ख़ास बात होती है, तो वो आपको बताएँगे, लेकिन जो है अपने थर्ड सेगमेंट में बताएंगे। तो अब उसमें क्या ऐसी चीज़ है जो आपके हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन है, एक तो दही है, लेकिन दही के साथ एक और चीज़ उसमें ऐड होती है और वो ऐड क्या होती है वो आपको बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और आज थर्ड ब्रेक
जब हम वापस आए तो आप देख रहे हैं मैं यहाँ बैठा हूँ और हमारे साथ गेस्ट सेलिब्रिटी जो है वो भी हमारे पास मौजूद हैं और इनके काफ़ी सारे सीरियल्स ड्रामा आप लोग देख चुके हैं और अपकमिंग इनके और क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं और क्या कुछ ये कर रही हैं उन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज युसरा खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र है। बताइए रमजान कैसा गुजर रहा है आपका? रमजान माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा गुजर रहा है, लेकिन गर्मी, ओह माय गॉड, कैन सेव्स कि कितनी गर्मी है और किस तरह बर्दाश्त कर। तो रोजा रख के भी आपकी शूट्स वगैरह चल रही हैं? जी, रमजान भी चल रहे हैं और शूटिंग्स भी चल रही हैं। तो रोजे में शूट करना कितना मुश्किल है? मुश्किल है क्योंकि जो गर्मी है और आपको पता है जब शूटिंग्स हो रही होती है, फैंस ऑफ होते हैं, एसी ऑफ होते हैं, सारी चीजें से बंद होती है, तो फिर आपको पता है प्यास दुगनी लगनी शुरू हो जाती है। तो अच्छा, ये तो बात हो गई, हमने शूट की बात कर ली। इस फील्ड में किस तरह से, मतलब आपका आना किस तरह से हुआ, या आपको भी सबकी तरह बचपन से शौक था? हाँ, अच्छा, मुझे बचपन से शौक तो था, लेकिन शायद ये शौक मेरा थोड़ा डिफरेंट था। सबको बचपन से शौक होता है जी। मुझे हीरोइन नहीं, हीरो बनने का शौक। अच्छा। मैं चाहती थी शुरू से कि मैं हीरो बनूं, और मैं एक एक्टर है, इंडियन एक्टर है, वो उनकी एक्टिंग करती थी। अच्छा। उनकी फिल्म को बार बार रिपीट करती थी, वही एक्टिंग करती रहती थी। मतलब इसका मतलब ये आप बचपन में कोई टॉम बॉय टाइप? नहीं थी, मैं प्रॉपर गर्ल ही थी, लाइक लड़कियों की तरह ही। फिर ये शायद मुझे वो एक्टिंग ज्यादा पसंद होगी उसकी, मे बी मतलब आप उनसे ज्यादा इंस्पायर हो गए, लाइक उन एक्टर्स से आपने इतना ज्यादा इंस्पिरेशन ले ली कि आपका दिल चाहा कि मैं उसी तरह करूं। राइट, तो अब जिसरा बताइए खाने पीने से क्या लगाव है, कितना खाती पीती हैं और क्या पसंद है? पसंद मुझे वैसे सब कुछ है। अच्छा, to be very honest, मुझे सब कुछ। हम इसको डिस्कस करते हैं अपने किचन में, आ जाइए। sure. क्योंकि आज हमने आपके लिए जी बनाई है चिकन टिक्का पुलाव बिरयानी। wow. और उसको हम डिश आउट भी करेंगे, जो कि हमने दम पर रखी थी, हमारे पास तैयार है। इसको डिश आउट करने से पहले एक जो है कमर्शली हमारे पास एक रायता बनता है। अच्छा। तो आज हम वो रायता आपके साथ शेयर करेंगे, और उस रायते के लिए हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ मौजूद है दही। ठीक है, लेकिन आई एम श्योर ये शो देखने के बाद मेरी मम्मा मुझसे कुछ ये रायता बनवाएंगी जरूर। बिल्कुल। अच्छा, दही हमने यूज करना है, और दही में हम शामिल कर देंगे जनाब, सबसे पहले हमारे पास यहाँ कुटा हुआ जीरा है। ठीक है, ओके। तो ये कुटा हुआ जीरा हम डालेंगे, और कुटे हुए जीरे के साथ हम डालेंगे नमक। आप कुछ कुकिंग करती हैं? हाँ, समटाइम्स। अब रमजान आ गए तो इफ्तार में तो यू नो घर वालों का साथ देना पड़ता है। अच्छा, क्या बनाती हैं? अच्छा अच्छा, मतलब उससे आप आपकी कोई रेसिपी इफ्तार में या वैसे एक नॉर्मली रेसिपी पूछिएगा नहीं मुझसे, लेकिन मैं सच में बताऊंगी, प्रॉमिस करके कि मैं क्या अच्छा बनाती हूँ। मैं बनाती हूँ अफगानी पुलाव। अच्छा अच्छा बना लेती हूँ, और दम कीमा अच्छा बना लेती हूँ। जबरदस्त। दो तीन डिशेज हैं जो आज तक मैंने अपनी मर्जी से बनाई है, पूछ पूछ के मम्मा से बनाई है, लेकिन अच्छी बनाई है मैंने। मतलब वो अच्छी सेंस में आप कह रहे हैं कि बार बार लोग कहते हैं कि आप बनाएं। फर्स्ट टाइम जब मैंने बनाई थी तो उसके बाद भी सबको टेस्ट पसंद आया, और दोबारा मुझे कहा कि यूसरा तुम कब खिला रही हो बना। अच्छा, अभी मुझे किचन में आने से घबराहट बहुत होती है। चलिए जी, और यहाँ पर हमने क्या किया, दही ले लिया, दही के साथ हमने इसमें डाला जीरा, जीरे के साथ नमक, काली मिर्च और हरी मिर्च की पेस्ट। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल एक ट्रेडिशनल आप कह लेंगे स्टाइल का रायता। लेकिन कमर्शली जो हम रायता बनाते हैं, जो शादियों में होता है या जिसको आप बहुत शौक से पीते हैं, उसमें एक ट्विस्ट होता है, और वो क्या ट्विस्ट होता है, उसमें डलता है जनाब स्प्राइट। और स्प्राइट हम डालते हैं उसमें, आपने देखा होगा वो बड़ा लाइट हो जाता है, और उसको अक्सर लोग पी भी रहे होते हैं, हाजमे के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, और इसका फ्लेवर बहुत मजेदार हो जाता है। तकरीबन हमने इसमें 1/4 कप के करीब स्प्राइट डाल के, और इसको हमने कर देना है मिक्स। लेकिन ये प्रोसीजर जब आपने करना है, जब आपका डिनर बिल्कुल तैयार हो, आपने बस इसको सर्व करना हो, तो उस वक्त आपने ये स्प्राइट इसमें ऐड करनी है, और हमारे पास ये मज़ेदार सा रायता तैयार है। इसको अब हम थोड़ा सा डिश को क्लियर करते हैं, और अपनी जो बिरयानी है उसको भी हम सर्व करेंगे। चलिए, ये हो गया, लेकिन टेस्ट ऐसा लगता नहीं है ना कि इसमें कोई चीज ऐड की हुई है। बिल्कुल। लेकिन इसमें इससे क्या होता है कि ये आपका बहुत लाइट हो जाता है, रायता जो है बहुत लाइट हो जाता है। चलिए जी, ये रायता आ गया, और अब बारी है बिरयानी को सर्व करने की।
बिरयानी कभी आपका इत्तेफाक हुआ पकाने का? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। मैं यही समटाइम सोचती हूँ कि बिरयानी अगर मैं बनाऊंगी तो किस तरह की बनाऊंगी। लेकिन जब आप दम कीमा और इस तरह की चीजें बना लेती हैं तो आई थिंक बिरयानी भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन हमें तय वाली बिरयानी मेरे ख्याल से थोड़ी सी मुश्किल होती है शायद। बिल्कुल, तह वाली में बस ये होता है कि उसका उसमें जरा आपको जो मसाला बनाते हैं उसका अंदाजा जरा प्रॉपर रखना पड़ता है, नहीं तो वो कभी फीकी रह जाती है कोई इस तरह का। ये आज हमने बनाया है, आपको शक्ल से जैसे पुलाव लग रहा होगा लेकिन पुलाव बिरयानी। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बहुत शुक्रिया। और बेहतरीन सी हमारे पास ये तैयार है, अब आप इसको ट्राई कीजिएगा। इस ईद पर आप यही बनाइए, यही अपने गेस्ट को खिलाइए और कुछ डिफरेंट होना चाहिए। और आई एम श्योर कि जब आपके गेस्ट खाएंगे तो आपसे रेसिपी जरूर पूछेंगे, तो रेसिपी आप जरूर बताइएगा। अच्छा, मीठे का कोई शौक है? मीठे का क्या शौक से खाती हैं? रसमलाई। रसमलाई और उसके अलावा दूध लाई। अच्छा, और जनाब रसमलाई मेरी वाइफ बहुत अच्छा बनाती हैं, और रसमलाई और गुलाब जामुन मैंने आज तक घर में नहीं बनाए, वही बनाती हैं और झटपट बनाती हैं। कभी मौका रहा तो इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे, उनसे ही उन्हीं को बुला के रसमलाई और गुलाब जामुन उनसे बनवाएंगे। ये हमारे पास बिरयानी हो गई है डिश आउट, और अब हम इसको टेबल पर लेकर चलते हैं और फिर आपसे थोड़ी सी हम बात करेंगे मूवी के हवाले से। आप थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दीजिए। चलिए, ये आप ले लीजिए और ये हम ले चलते। ठीक है जी, टेबल तैयार है, प्लीज आप बैठिए। और बिरयानी, ईद का सीजन और बिरयानी हो और जो है हमारे पास स्प्राइट टेबल पर ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। और खूब चिल करके आपने स्प्राइट को रखना है टेबल पर। और अब दूसरा आपसे हम, क्योंकि टाइम हमारा बहुत शॉर्ट होता है, तो कुछ मूवी के हवाले से बताएं। आपने मूवी बता रही थी आपके, आपने मूवी भी की हुई है, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मूवी बेसिकली अभी कंप्लीट नहीं हुई है, 70% आप कह रहे हैं कि वो कंप्लीट है। एक्सपीरियंस जो है मुश्किल तो नहीं रहा, क्योंकि शूटिंग्स सेम हो रही होती है ड्रामास में और वो सारी चीजें सेम ही है ऑलमोस्ट। अच्छा, मतलब लेकिन एक कॉन्सेप्ट है कि जी मूवी में ज्यादा टाइम लगता है, मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं? मुश्किल नहीं है क्योंकि टाइम भी फिर ज्यादा लग जाता है। जैसे एक प्रोजेक्ट हम ड्रामा कर रहे हैं वो 2 महीने का है, तो मूवी 4 महीने चली जाती है। राइट। इसी तरह सीन्स 4-6 सीन्स होते हैं। कुछ अगर जो मुश्किल है वो ये है कि गर्मियां आ चुकी थी, हमें आउटडोर शूट करना था और फाइटिंग सीन्स करने थे। राइट, तो इसमें फिर रुक गई वो, यानी हाँ वो रमजान की वजह से रोक दिए। अब उसके बाद ईद के बाद ही उसके कुछ सॉन्ग हैं वो हमने करने, प्लान है कि आउट ऑफ कंट्री करने, एक प्लान, एक सॉन्ग का ये प्लान है। अच्छा, तो चलिए जी, और आपके लिए हम विश करते हैं कि आपकी ये मूवी भी बहुत अच्छी सफल जाए और इसी तरह आप और काम करती रहें, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप यहाँ आए, थैंक यू सो मच। और आप अपने देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज देना चाहूंगी, एक तो गर्मी है, गर्मी के हवाले से ये देना चाहूंगी कि आप लोग रोजे तो डेफिनेटली अल्लाह का हुक्म है, रोजे तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन जब भी घर से निकले अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और ठंडी चीजें जब भी इफ्तार करें, सहरी करें, उसका यूजेज रखें। और दूसरा मैसेज मैं ये देना चाहूंगी कि आप लोग अपना तो ख्याल रखें लेकिन उनका भी ख्याल रखें जो आप लोग का ख्याल रखते हैं। बहुत बहुत अच्छा मैसेज, और बिल्कुल डेफिनेटली आजकल ये देखा जा रहा है कि हमारे बराबर में कौन है, या अगर हम फ्लैट्स में है तो हमारे ऊपर कौन है, कुछ नहीं पता चल रहा होता। इस चीज को अफतारी की सूरत में, जब हम, मैं अपने बचपन की अगर हम देखें तो हमारे हर घर से, हर मोहल्ले में से घर से अफतारी आती थी, या वैसे भी जनरली चीजें आ रही होती थी, लेकिन अब किसी के यहाँ से कोई चीज ना आती है ना जाती है। तो उसी कल्चर को, उसी भाईचारे को अपनाइए जो कि सुन्नत भी है। हमसाए जो है हमारे नेबर्स, उनका हम पे बहुत हकूक है और वो अब हम भूलते चले जा रहे हैं। इसी मैसेज के साथ आपसे चाहेंगे इजाजत, इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो कल फिर आपसे होगी मुलाकात, मुझे और मेरी गेस्ट को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।